सेकंड कंडीशन है क्या हमारे सामने, ज़रा समझिएगा भाई। यहाँ है हमारे पास में एक ब्लॉक, ब्लॉक का मास हम लोगों को दिया है 2 किलोग्राम, ठीक है। ब्लॉक के साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी है और ये स्ट्रिंग जुड़ी है हमारे पास में यहाँ एक पुली के साथ, ऐसे एक पुली यहाँ पर लगी हुई है और ये स्ट्रिंग जाकर यहाँ एक रिजिड सपोर्ट के साथ जुड़ी है बच्चों, और यहाँ से एक बॉडी को लटकाया गया है। इस बॉडी का जो मास है वो है 4 किलोग्राम। देखो ये है प्रॉब्लम हमारे पास में भाई, पूरी प्रॉब्लम हमें दे रखी है, हमें ये बताना है कि एक्सीलरेशन कितना होगा और टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर। मैं कहूँगा कि बहुत आसान प्रॉब्लम है अगर आप इसे समझकर चलेंगे तो, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम की। देखो स्ट्रिंग जो है ना हमारी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से घूमकर यहाँ से घूमकर यहाँ से घूमकर यहाँ से बंधी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक टेंशन आएगी टी पुली की तरफ, यहाँ एक टेंशन आएगी टी पुली की तरफ, इस वाली पुली की तरफ, फिक्स पुली की तरफ टेंशन आती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। टेंशन जो आती है ना वो फिक्स पुली की तरफ आती है, ये मूवेबल पुली है, इसकी तरफ नहीं आएगी। और एक टेंशन वहाँ आएगी, उसकी तरफ आएगी जहाँ से आपने रस्सी को बांध के रखा हुआ है। ये टेंशन आ गई, ये टी टेंशन पुली की तरफ, ये टी टेंशन पुली की तरफ, इधर भी कोई ना कोई टेंशन आएगी, ये उस तरफ आएगी जहाँ से हमने रस्सी को बांध के रखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ये टेंशन कितनी है टी, ये टेंशन कितनी है टी, इन दोनों के बीच में से ये रस्सी निकलती है तो यहाँ कितनी टेंशन होगी, 2T। टेंशन हो गई डबल, एक्सीलरेशन हो गया आधा। मैंने माना कि ये वाला ब्लॉक जा रहा है नीचे, मैंने ये मान लिया बच्चों कि ये वाला जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, टी और टी कितना हो गया 2T। अगर टेंशन डबल हो गई तो एक्सीलरेशन हो गया हाफ, a/2। अच्छा यहाँ टेंशन कितनी है, अरे भैया यहाँ टेंशन कितनी है, यहाँ टेंशन है टी, तो यहाँ एक्सीलरेशन कितना होगा, यहाँ एक्सीलरेशन होगा a आगे की तरफ, क्योंकि ये ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो डेफिनेटली ये ब्लॉक हमारा आगे की तरफ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी बात कि हमने कहाँ कितनी क्यों टेंशन बनाई है। इस पूरी ग्रीन वाली स्ट्रिंग के अंदर टी टेंशन है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ हो गई है 2T। जहाँ टेंशन हो जाएगी डबल, वहाँ एक्सीलरेशन हो जाएगा हाफ, यहाँ टेंशन टी एक्सीलरेशन ए। आइए इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम इस 2 किलोग्राम की इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगी। देखो इस 2 किलोग्राम की बॉडी पर आगे की तरफ काम कर रहा है टी, पीछे की तरफ कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, पीछे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो है 0। समझ में आ रही बात, आगे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है वो टी है और जो पीछे की तरफ फोर्स काम कर रहा है वो 0 है। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन बनेगी बॉडी जा रही है आगे, आगे वाले फोर्स में से पीछे वाले फोर्स को माइनस करेंगे, टी माइनस के 0, मास की मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन से करेंगे 2a, टी की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 2a के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहने वाली है बच्चों इस ब्लॉक के लिए, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ओके अब आते हैं हम 4 किलोग्राम पर। 4 किलोग्राम की जो बॉडी है वो ये है हमारे पास में, 4 किलोग्राम की बॉडी हमारे पास में यहां पर, फोर किलोग्राम की जो बॉडी है, फोर किलोग्राम की बॉडी है, इस 4 किलोग्राम की बॉडी पर ऊपर की तरफ काम करेगा 2T, ठीक है। 4 किलोग्राम की बॉडी पर ऊपर की तरफ काम करेगा 2T, नीचे की तरफ काम करेगा 4 × ग्रेविटी यानी 40, ठीक है। बॉडी जा रही है नीचे और नीचे जाते हुए बॉडी का एक्सीलरेशन है a/2। अब देखिए हम इक्वेशन बनाते हैं, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे, हम नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और एक्सीलरेशन हो जाएगा a/2, ठीक है। ये से कैंसिल आउट, तो ये बना 40 माइनस के 2t इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन बनी है हमारी ये बच्चों और सेकंड इक्वेशन बनी है हमारी ये। सेकंड इक्वेशन हमने कैसे बनाई है, ध्यान रखिएगा, बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को माइनस किया और मास की मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन के साथ में की। वैसे तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कोई भी तरीका लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा
टी की जो वैल्यू है 2a वो यहाँ से उठाकर आप इस टी की जगह पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 40 माइनस के 2, टी की जगह रखेंगे 2a और ये हो जाएगा 2a के इक्वल। सो 40 इज इक्वल टू 6a, एक्सीलरेशन हमारा निकल गया है 40/6 और ये बनेगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हमारी बनेगी ना बच्चों, वो बनेगी 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इतने एक्सीलरेशन से ये बॉडी इधर आ रही है। ये जो 20/3 निकल कर आया है ना बच्चों, ये a की वैल्यू निकल कर आई है और जो a एक्सीलरेशन है वो इसका है, यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी आगे जा रही है। इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, a बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है 20/3, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन हमारे पास में हो जाएगा 20/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आ रही बच्चों बात? इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे, मतलब तरीका एक ही है, पैटर्न एक है, कुछ अलग पैटर्न नहीं है, बस कंडीशंस का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम क्या कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है हमारे पास में, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, कैसे हम प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये एक पुली सिस्टम हमारे पास में ना लगाया गया है, यहाँ से एक स्ट्रिंग आकर एक रस्सी यहाँ से जुड़ी है कुछ ऐसे, और इनके बीच में एक पुली को यहाँ लगाया गया है बच्चों कुछ ऐसे, और इसके साथ में एक बॉडी को जोड़ दिया गया है, बॉडी का मास है 2 kg। ठीक है, समझ में आ रही बात? और ये जो रेड वाली स्ट्रिंग है ना, ये इधर से जाकर यहाँ से कनेक्टेड है, और इस बॉडी का जो मास है हमारे पास में ये है 4 kg। ध्यान से हमारी प्रॉब्लम को सुनिएगा बच्चों, ये कंडीशन है हमारे पास में। देखो बिल्कुल गौर से सुनिएगा, एक स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए 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 यहाँ ख़त्म होती है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक यहाँ जुड़ी है एक यहाँ जुड़ी है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम बनाते हैं टेंशन। ये ग्रीन वाली स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ जा रही है, तो यहाँ जो टेंशन आएगी ये कहलाएगी टी, टेंशन टी। इधर भी जो टेंशन आएगी वो क्या कहलाएगी, टी। और यहाँ भी जो टेंशन आएगी वो कहलाएगी टी। क्यों हमने टी टी क्यों कहा? क्योंकि रस्सी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से घूमकर यहाँ से घूमकर यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ भी टेंशन टी काम करेगी, यहाँ भी टेंशन टी काम करेगी, यहाँ भी टेंशन टी काम करेगी। समझ आ रही बच्चों बात? अब आप यहाँ देखिए एक बात बताइए, ये कितनी टेंशन है टी, ये भी कितनी टेंशन है टी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ हो गई है 2t। भाई ये भी टी है ये भी टी है, इनके बीच में से ये स्ट्रिंग चली, यहाँ कितनी हो गई है 2t। ओके, यहाँ टेंशन कितनी है टी और बॉडी का वजन है 4 kg, तो टेंशन टी और बॉडी का एक्सीलरेशन हो गया ए, टेंशन टी एक्सीलरेशन ए, यहाँ टेंशन। अच्छा, अगर ये बॉडी नीचे जाएगी तो डेफिनेटली ये बॉडी कहाँ जाएगी, ये बॉडी ऊपर जाएगी। भाई अगर एक बॉडी नीचे जाएगी तो दूसरी बॉडी ऊपर जाएगी, यहाँ टेंशन कितनी है 2t, यहाँ का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ का एक्सेलरेशन हो जाएगा a बाय 2। बच्चों प्रॉब्लम के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ सही से टेंशन की डायरेक्शन बनानी है और सही से एक्सेलरेशन को मार्क करना है आप लोगों को। अब आप यहाँ आ जाइए, 4 kg की बॉडी है हमारे पास में यहाँ पर, 4 kg की बॉडी है हमारे पास में यहाँ पर, ये 4 kg की बॉडी है हमारे पास में। इस 4 kg की बॉडी पर जो फोर्स काम कर रहा है वो है टी, 4 kg की बॉडी पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है टी, 4 kg की बॉडी पर नीचे की तरफ काम करेगा 4 × ग्रेविटी यानी 40, और बॉडी जा रही है नीचे ए एक्सीलरेशन से, बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। ये 4 kg वाली बॉडी की कंडीशन मैंने यहाँ बना दी, इक्वेशन बताओ क्या बनेगी।
बॉडी जा रही है नीचे, हम नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को माइनस करेंगे, तो ये बनेगा 40 माइनस के टी इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। 40 माइनस के टी इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। 40 में से टी को माइनस करके 4 की मल्टीप्लाई a से करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब 2 किलोग्राम वाली बॉडी को हम लोग उठाते हैं, ये हमारी 2 किलोग्राम की बॉडी है भैया, ये हमारी 2 किलोग्राम की बॉडी है। इस 2 किलोग्राम की बॉडी पर ऊपर की तरफ काम करेगा 2t, 2 किलोग्राम की बॉडी पर ऊपर की तरफ काम करेगा 2t, दिख रहा है 2 किलोग्राम ऊपर की तरफ काम कर रहा है 2t, नीचे की तरफ काम करेगा 2 इंटू ग्रेविटी यानी 20, समझ में आ रही बात। अच्छा, एक्सिलरेशन कितना है, एक्सिलरेशन है a बाय 2। क्यों हुआ एक्सिलरेशन a बाय 2, क्योंकि टेंशन डबल हो गई, एक्सिलरेशन आधा हो गया। भाई इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया, अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। चलिए इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी, बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर। सो 2t में से 20 को माइनस करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे a बाय 2 से, ये कैंसिल आउट, ये आ गया हमारे पास में a। समझ आ रही बच्चों बात, एक इक्वेशन बन चुकी है हमारी ये और एक इक्वेशन बन चुकी है हमारी ये। चलिए अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। भाई सॉल्व करने के तो बहुत सारे तरीके हैं यार, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 80 माइनस के 2t इज इक्वल टू 8a, हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3, हमने इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दो, ये माइनस के 2t, ये प्लस के 2t कैंसिल आउट, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ये 8a है, ये a है, तो ये कितना आ जाएगा 9a, एक्सिलरेशन की वैल्यू बन जाएगी 60/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारी एक्सिलरेशन की वैल्यू होगी बच्चों, 60/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन की वैल्यू है। हम एक्सिलरेशन की वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से टेंशन निकल जाएगी, समझ आ रही बात।